स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल को एक्सप्लेन करूंगा। ये सीबीएसई क्लास 10 में है और फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है। इसके राइटर हैं कैरोलिन वेल्स। ये एक ह्यूमर पोएम है, हास्य कविता है। इस कविता में कुछ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के बारे में बताया गया है, उनके गुण बताए गए हैं, उनकी पहचान बताई गई है। पहचान और गुण कुछ ऐसे हैं जो सच भी हैं, सही भी हैं, पर उसको वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। हम पोएम में आए इससे पहले पढ़ाई में लीन हो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। वीडियो में या चैनल पे आप कैसे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लायन। इस स्टैंजा में पोएटेस ने एशियन लायन के गुणों को बताया है। अगर आप जंगल में जाते हैं तो कौन कौन सा लक्षण या कौन कौन सा प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो जान जाएंगे कि यह एशियन लायन है। इस स्टैंजा में बताया गया है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि इत्तेफाक से तुम पूर्व में या पूर्व के जंगल में जाते हो तो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और कोई तुम्हारे तरफ आगे बढ़ता है तुम्हारे स्वागत में जंगल में, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और यह आगे बढ़ने वाला एक बड़ा भूरा पीले रंग का जानवर हो, इफ ही रोर्स एट यू एस यू आर डाइंग, और यह जानवर अगर गरज रहा हो और तुम मर रहे हो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तुम जान जाओगे कि यह एक एशियन शेर है। तो जब तुम बाय चांस इत्तेफाक से पूर्व के जंगल में जाते हो और कोई तुम्हारी तरफ बढ़ता है और बढ़ने वाला विशालकाय पीले भूरे रंग का जानवर हो, वो गुर्रा रहा हो और तुम मर रहे हो, तो यकीन मान लो कि यह एशियन शेर ही है। अब दूसरे स्टंजा पे आते हैं, आर इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripe on a yellow ground, just notice if beast, if he eats you, this simple rule may help you learn the beast tiger to discern. और यदि कभी तुम ज़्यादा घूमते हो जंगलों में, a noble wild beast greets you, एक योग्य जंगली जानवर तुम्हारा स्वागत करता है, ग्रीट करता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन ए येलो ग्राउंड, और यह जानवर की खाल पर काले रंग की धारियां बनी हो, येलो ग्राउंड से मतलब धारियों खाल से है और ब्लैक स्ट्राइप का मतलब है धारियों से, तो इस जानवर की खाल पे अगर काली धारियां बनी हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान देना जब वह तुमको खाता खाने लगे, दिस सिंपल रूल्स मे हेल्प यू लर्न, जब ध्यान रखना जब वो तुम्हें खाने लगे तो आसानी से समझ जाना कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर है खाने वाला जानवर, और ये बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि बंगाल टाइगर अगर तुम से मिलता है, तुम्हारा स्वागत करता है और तुमको खाने लगता है, तो यह पहचान है कि यह बंगाल टाइगर ही है।
अब आते हैं तीसरे स्टंजा पे. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइट विथ स्पॉट्स ए पेपर एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लियोपार्ड इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. और घूमते हुए इफ स्टॉलिंग फोर्थ यदि घूमते हुए ए बीस्ट यू व्यू घूमते हुए अगर तुम एक जानवर को देखते हो जंगलों में हुज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर हाइड मीन्स खाल और पेपर मतलब धब्बे जिसकी खाल पे धब्बे हों एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू और देखते ही वह तुम पर कूद पड़े यू विल नो इट इज लियोपार्ड तुम जान जाओगे कि ये लियोपार्ड है चीता है. इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन यह ज़्यादा यह गरजेगा नहीं बल्कि यह सिर्फ तुम्हारे ऊपर बार बार कूदेगा कभी शरीर के इस हिस्से पे कूदेगा वहाँ अपना कार्य करेगा कभी किसी शरीर के दूसरे हिस्से पे कूदेगा और अपना कार्य करेगा. तो ये सारी पहचान है लियोपार्ड की चीता की. और इसके आगे आते हैं इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज ए बियर इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस. अब इसमें दूसरे क्रीचर दूसरे प्राणी के बारे में बताया गया है उसके गुणों को उसकी गतिविधियों को बताया गया है. इफ यू व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यदि तुम अपने आंगन में घूम रहे हो घर में हो यू मीट ए क्रीचर देयर और वहीं पे तुमसे कोई प्राणी मिलता है हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड जो मिलते ही तुमको गले लगा लेता है काफ़ी गर्मजोशी से काफ़ी मजबूती से गले लगाता है बी श्योर इट इज ए बियर जान जाओ कि यह भालू ही है क्योंकि भालू बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं गले. इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस अगर तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो कि यह भालू है कोई संदेह है तुमको तो ये फिर तुमको छुएगा सज्जनता से गर्मी से और बता और समझा देगा कि मैं भालू ही हूँ. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे इट नोविस माइट नॉन प्लस ए क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकार करने वाले जानवर. ए नोविस माइट नॉन प्लस किसी नौसिखिए को नोविस मतलब नौसिखिए को और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड या संदेह में रहना. तो कोई नौसिखिया है जो जानवरों को नहीं पहचानता है शिकार करने वाले जानवरों को तो उसकी पहचान यहाँ पे दी गई है कि यदि कोई नौसिखिया शिकार करने वाले जानवर को नहीं पहचान पा रहा है भेद नहीं कर पा रहा है कि कौन सा है क्रोकोडाइल है या हाइना है इसमें दोनों का भेद बताया गया है. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस क्रोकोडाइल को प्रायः तुम हाइना समझ लेते हो या ये दोनों एक जैसे लगते हैं उनका देखने में जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है प्रायः. हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल्स हाइना जब तुमसे मिलता है तुम्हारे पास आता है तो मुस्कुराते हुए आता है उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है. ये दूसरी बात है कि जानवर मुस्कुराते नहीं है उसकी फेस कटिंग ही कुछ ऐसी होती है कि वो तुमसे मिलेगा तुमको लगेगा कि कोई दोस्त मुस्कुराते हुए आ रहा है.
बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और आने वाला अगर मुस्कुरा नहीं रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुखी है, तो समझ लेना कि जो दोस्त आ रहा है वो क्रोकोडाइल है। बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी एक जैसा रहता है और नवसिखियों को थोड़ा पहचानने में कन्फ्यूजन होती है, संदेह होता है, पर दोनों अगर आ रहे हैं, एक मुस्कुराते हुए आ रहा है और दूसरा आंसू गिराते हुए आ रहा है, जो आंसू गिरा रहा है वो क्रोकोडाइल है और जो मुस्कुराते हुए आ रहा है वो हाइना है। अब आखिरी स्टेंजा पे आते हैं। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, दिस इज कैमिलियन यू सी। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, जो सच्चा सही गिरगिट या कैमिलियन होता है वो बहुत छोटा होता है। कैमिलियन की साइज या गिरगिट की साइज आकार प्रकार बहुत छोटा होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड मतलब छिपकली, छिपकली के जैसा उसकी आकृति होती है, सिर्फ छिपकली के आकार का होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर एट ऑल, उसके पास कान नहीं होते, मतलब वो सुनने की क्षमता नहीं रखता है, कैमिलियन सुन नहीं सकता। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके पास कोई पंख भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस कैमिलियन यू सी, यदि पेड़ पे कुछ भी नहीं है तो तुम कैमिलियन को, गिरगिट को वहाँ पे देख सकते हो।